मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, अब इंतजार नतीजों का है। लेकिन नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को मात दे दी है। आंकड़ों का ऐसा खेल हुआ कि मामा पीछे रह गए। इतना ही नहीं, एक अन्य नेता ने इन दोनों नेताओं को पीछे छोड़ दिया। किस मामले में? चुनावी खर्च के मामले में। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग खर्च की राशि निर्धारित की थी। प्रचार के लिए 40 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी। इससे ज्यादा प्रत्याशियों को खर्च नहीं करना था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी रहे, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में 11,66,000 रुपए खर्च किए, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा में 16,47,000 रुपए खर्च किए। दोनों का ज्यादातर खर्चा वाहन किराया, सभा और विज्ञापन पर हुआ। इसके अलावा मुरैना जिले की दिमनी सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11,36,480, मंडला जिले की निवास सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 18,30,587 और नरसिंहपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 17,57,852 रुपए और कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी है। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई थी। उम्मीदवारों को परिणाम आने के 30 दिनों के भीतर खर्च की जानकारी आयोग को देनी होती है। ये आंकड़े 14 नवंबर तक के हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, हालांकि ये अंतिम आंकड़े नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था, अब नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।